और मैं तो अडानी से लेकर के और हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को एक बात कहना चाहता हूँ, या तो जाग जाओ, सुधर जाओ, मंडियों को चलाना शुरू कर दो, मंडियों को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। और ये मेरा संदेश हरियाणा की तरफ से जो संदेश है, ये अडानी के कानों तक भी चला जाए, इस वीडियो को शेयर कर दें कि जो वो मंडियों को तोड़ करके और अनाज को अपने गोडाउनों में भरने के सपने देख रहे, अगर तुम नहीं रुके तो इन साइलोज पर किसान कब्जा कर लेंगे, इन साइलोज में उन जिलों के आवारा पशुओं को भर देंगे और इनको गौशाला बना देंगे। जमीनें हमारी हैं, मंडियां हमारी है, अनाज हमारा है, इन अडानी अंबानियों को देश लूटने नहीं देंगे, मंडियां तोड़ने नहीं देंगे। और जो बीजेपी मंडियां तोड़ना चाह रही, वो बीजेपी इस बात को नोट कर ले कि वो खुद टूटने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आप मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्स है वह रवि आजाद है। रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एक वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि राज्य की कई मंडियां टूट रही हैं, साथ ही सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, यदि मंडियां टूटी तो सरकार भी टूटेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रवि आजाद। साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। आज हम बात कर रहे, आप देखिए लगातार आंदोलन 150 दिन पार कर चुका है और मंडियों को बचाने का भी ये आंदोलन है, क्योंकि इन तीन काले कानूनों से मंडियां टूटेंगी, मजदूर बेरोजगार होंगे और जो आपकी रोटी है वो तिजोरी में बंद होगी और अडानी अंबानी भूख का व्यापार करेंगे। और साथियों, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो खट्टर सरकार हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, ये कहते हुए नहीं थके कि मंडियां नहीं टूटेंगी, लेकिन साथियों मंडियां टूट रही हैं। और शुरुआत हुई है कैथल जिले से, शुरुआत हुई है जींद डिस्ट्रिक्ट से, शुरुआत हुई है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से और शुरुआत हुई है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। बड़ी 17 मंडियां जिनमें गेहूं का एक दाना नहीं खरीदा गया और मंडी से पर्ची दे करके किसानों को अडानी के साइलोज में भेज करके उनको परेशान करना, वजन के नाम पे, नमी के नाम पे उनको घंटों और दो दो दिन तीन तक लाइन में लगा करके रखना। सरकार को यह स्पष्ट जवाब है, वो कह रहे थे मंडियां नहीं टूटेंगी और मंडियों को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हो चुका है। और ये तथ्यों के साथ बात कह रहे, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हम बीजेपी और जेजेपी वालों की तरह। और साथियों हम इसके ऊपर बहुत गंभीर हैं, आंदोलन इसलिए भी चल रहा कि मंडियां ना टूटें। और मंडियों का प्लेटफार्म जो चौधरी छोटू राम जी ने बनाया था, किसान मसीहा ने बनाया था, उनके प्लेटफार्म को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। इसलिए हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को और अडानी को ये स्पष्ट चेतावनी है कि वो ये लूटपाट बंद करें, मंडियों को तोड़ना बंद करें, किसानों को जबरन साइलों में बुलाना बंद करें, 4 साइलो काम करने लगे और हरियाणा के जिलों जिलों में साइलोज का निर्माण हो रहा है, लाखों मीट्रिक टन की उनकी कैपेसिटी है। साथियों हमें जैसी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो साइलो पे प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे इन जिलों में पंचायतें बुलाने की बात हो, और मैं तो अडानी से लेकर के और हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को एक बात कहना चाहता हूं, या तो जाग जाओ, सुधर जाओ, मंडियों को चलाना शुरू कर दो, मंडियों को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। और ये मेरा संदेश हरियाणा की तरफ से जो संदेश है, ये अडानी के कानों तक भी चला जाए, इस वीडियो को शेयर कर दें कि जो वो मंडियों को तोड़ करके और अनाज को अपने गोडाउनों में भरने के सपने देख रहे, अगर तुम नहीं रुके तो इन साइलोज पर किसान कब्जा कर लेंगे, इन साइलोज में उन जिलों के आवारा पशुओं को भर देंगे और इनको गौशाला बना देंगे। जमीनें हमारी हैं, मंडियां हमारी है, अनाज हमारा है, इन अडानी अंबानियों को देश लूटने नहीं देंगे, मंडियां तोड़ने नहीं देंगे। और जो बीजेपी मंडियां तोड़ना चाह रही, वो बीजेपी इस बात को नोट कर ले कि वो खुद टूटने वाली है और उसका पतन होने वाला है। हमें जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा फैसला लेंगे और इन साइलोज को हम गौशाला बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों बहुत धन्यवाद, जागरूकता फैलाएं, पत्रकार भाई भी इनको कवर करें, इनकी स्टोरी कवर करें और जन जन तक इस सच्चाई को लेकर के जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों जैसी रणनीति होगी, सबकी सहमति से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बना करके आपके बीच में लेकर के आएंगे, मंडियों को भी बचाएंगे और इस अडानी के जो साइलोज का षड्यंत्र है इसका भी पर्दाफाश करने का काम करेंगे। साथियों